शुक्रवार को गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के सपा रालो गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह के समर्थन में एकता तिराहे के समीप श्यामाबाई आश्रम में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा की परमिशन नहीं ली गई और तो और जनसभा में शामिल सैकड़ों समर्थकों ने ना तो मास्क लगा रखा था ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ पर बाकायदा भट्टी लगाकर सहभोज भी आयोजित किया गया। इस सब कार्यक्रम में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती रहीं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त सचल दल और पुलिस प्रशासन को इसकी खबर भी नहीं हुई। चुनाव आयोग जहां आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर कितना भी सतर्क नजर आ रहा हो या निष्पक्ष चुनाव कराने के वायदे कर रहा हो, मगर धरातल पर कुछ और ही है। आज एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला विधानसभा तिराहे गोवर्धन में, जहां गठबंधन से लोक दल प्रत्याशी चौधरी प्रीतम सिंह के लिए सैनी समाज ने एक विशाल सभा का आयोजन कर प्रीतम को समर्थन दिया, जिसमें कोरोना के नियमों को ताक पर रखा गया, जहां प्रत्याशी से लेकर समर्थकों ने न ही मास्क लगाया न ही सोशल डिस्टेंस का कोई ध्यान रखा। सैनी समाज द्वारा प्रत्याशी को चांदी का मुकुट बांधा गया। हद तो तब हो गई जब हमारे कैमरे में वहां वोटरों को लुभाने के लिए पकवान बनते हुए कैद किया, जहां आचार संहिता को ताक पर रख चुनावी सभा में जुटाए गए समर्थकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। वहीं खाना बना रहे हलवाई ने बताया कि ये सब सभा में आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जितने भी लोग यहाँ हैं, क्योंकि जो सभा में जुड़े हुए हैं उनके लिए खाना। किस कौन सी सभा चल रही, किस? ये जो तुम्हारे क्या नाम है, प्रीतम सिंह जी है, उनकी मतलब ये बैठक है, उनकी रैली है, रैली है, उसके लिए चल रहा है, उसके लिए खाना पीना बना। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर प्रीतम सिंह जी? अभी आधा घंटे पहले आए। अच्छा अच्छा, अभी चल रही है बैठक? लगभग कितने लोग अंदर मौजूद हैं अभी? करीब 200 से 250। अरे वाह, क्या बात है, आपके तो कपड़े और बर्तन बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। क्या कोई जादू किया है क्या? हाँ बहन, गोगा वॉशिंग पाउडर व साबुन आ गया है ना, ये सब उसी का कमाल है। अच्छा? हाँ, एक बार तुम भी इस्तेमाल करके देखो, ये कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी कोमल रखता है। क्या खारे पानी में भी काम करता है? हाँ बहन, खारे पानी में भी कपड़ों को देता है चमकदार धुलाई। ना मानो तो आजमा लो। तो अब मेल का सफाया होगा गोगा वॉशिंग पाउडर जहां होगा। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।